अयान अयान दरवाजा खोलो, अयान दरवाजा खोलो, आवाज आ रही है मेरी? तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से तुम्हारे पापा ने मुझे कितनी बातें सुनाई है? उनको लगता है कि मैं तुम्हें यूज कर रही हूँ उनसे शादी करने के लिए। मैंने तुमसे मना नहीं किया था कि बात मत करना उनसे जाके। वैसे मेरे और उनके ताल्लुकात कोई खास अच्छे नहीं है, तुम चाहते हो कि बिल्कुल ही खत्म हो जाए। अयान मैं तुमसे बात कर रही हूँ। सही है, ठीक है, मैंने आपसे कहा था यहाँ आकर आयान को समझा, अपने लिए खाने को कुछ नहीं मंगवा रहा। प्लीज आप इसको जल्दी से मना ले ताकि मैं आपसे अपना बिजनेस प्लान डिस्कस कर सकूं। नहीं बेटा, इस वक्त समझाने की जरूरत जितनी आयान को है उतनी तुम्हें भी है। खाली पेट पर तो तुम्हारा दिमाग चलता नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए ये ले आया। आप मेरा मजाक उड़ा रहे? पापा मैंने कोई गलत बात नहीं की है। एक छोटे से बच्चे के साथ जिद लगाना गलत बात नहीं है तुम्हारी नजर में? आप जानते हैं बाबू भाई ने मुझे कितनी बातें सुनाई है इसकी वजह से। तो बेटा ये बात आराम से बिठा कर भी समझाई जा सकती है बजाय इसके कि उसका डांट डांट कर दम निकाल दिया जाए। अब तुम दोनों के झगड़े की वजह से उसने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया है और दरवाजा भी नहीं खोल रही है। बाबा आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे कि मैंने खुद जाके कमरे में उसको लॉक किया हो। नहीं तुमने लॉक नहीं किया, लेकिन तुमने उसको निकालने की कोशिश भी नहीं की। देखो जब बच्चे डरे हुए हो या परेशान हो तो उनके साथ प्यार से बात करनी चाहिए, उनको बाहर निकालने के लिए कुछ लालच देनी चाहिए बजाय उसके कि तुम डांटती रहो। मुझे ठीक लगा मैंने वो कर दिया। तुम्हारा खुद का बच्चा नहीं है इसलिए तुमने इस तरह बिहेव किया। अच्छा आई एम सॉरी बेटा, आई एम सॉरी। ओके देखो मैं कोशिश करता हूँ, मैं जाके बात करता हूँ कि वो दरवाजा खोल ले और तुम्हें और बाबर को लेकर वो अपनी जिद छोड़ दे। देखो मैं बाबर के हाथों एक बच्ची खो चुका हूँ और मैं दूसरी को नहीं खोऊंगा, किसी कीमत पे नहीं, किसी सूरत में नहीं। कौन शामिल